अब दस्तक अपराध के खिलाफ यूपी सरकार के कानूनी भूकंप की। हमारी यह बात सुनकर आपको लगा होगा कि अपराध के खिलाफ भूकंप कैसा होता है। आज इसे टीवी पर देखिए, महसूस कीजिए, क्योंकि इस अपराध विरोधी भूकंप की उत्तर प्रदेश में तीव्रता अब तक 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो चुकी है। बड़े से बड़े माफिया डॉन के खिलाफ जारी यह उत्तर प्रदेश में कानून का भूकंप है। ऐसा भूकंप जो अपराधियों की आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक ताकत को ध्वस्त कर दे रहा है। ये धूल, ये गुबार उत्तर प्रदेश के मेरठ में माफिया डॉन बदन सिंह बद्दो की कोठी के जमींदोज होने के बाद उठा। जहां अब तक कानून को घर की खेती समझने वाले माफिया डॉन की हवेली में प्रशासन ने इतने हथौड़े मारे कि बदन सिंह बद्दो की तरह बनने की सोचने वालों के दिमाग दुरुस्त हो जाएं। आगे बढ़े उससे पहले दो तस्वीरें देखिए, कैसी थी अपराधी की करोड़ों की अवैध कोठी और कैसे 2 घंटे में कानून के बुलडोजर से गिरा दी गई, और कौन था ये डॉन, जरा सुनिए एसएसपी साहब से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माफिया बदन सिंह बद्दो है, जिसे आज उन कारावास के माननीय न्यायालय द्वारा सजा है, और ये फरुखाबाद पुलिस से पेशी के समय फरार हो गया था कस्टडी से। इस क्रम में मेरठ पुलिस ने जो मुकदमा पंजीकृत किया था, उसमें अभी पिछले महीने इस बिल्डिंग में 83 के तहत कुड़की की कार्रवाई सुनिश्चित की गई थी। उसके बाद एक अपील पड़ी जिसमें ये निकलकर सामने आया कि यहाँ पर इसने अपने बाहुबल और रसूख से एक बिल्डिंग बना रखी थी जो कि पूरी तरह से अवैध थी। उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक।